और अगली खबर छत्तीसगढ़ के कोरबा से सामने आ रही है, जहां पर रामपुर चौकी क्षेत्र के अंतर्गत निहारिका टॉकीज के कॉम्प्लेक्स के ऊपर होटल में लगे चिमनी में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगने की खबर सामने आ रही है। साग से होटल से धुआं उठता देख लोगों ने 112 और दमकल विभाग को सूचना दी। मौके पर 112 की टीम और दमकल विभाग की टीम ने पहुंचकर दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आगजनी की घटना में होटल संचालक को काफी नुकसान हुआ है और होटल में काफी गैस सिलेंडर भी रखे हुए थे। गनीमत यह रही कि आग की लपट में सिलेंडर तक आग नहीं पहुंच पाई, नहीं तो बहुत बड़ी दुर्घटना भी हो सकती थी। बढ़ते अगली खबर की तरफ, रामनवमी के दिन प्रभु श्रीराम जी की शोभा यात्रा निकाली गई। जिला स्तर पर यह शोभा यात्रा प्रसिद्ध है। श्री रामनवमी आयोजन समिति द्वारा लगभग 15 दिन पहले इसकी विशेष तैयारी की जा रही थी। इस शोभा यात्रा की विशेषता ये है कि सभी हिंदू संगठन के लोगों के द्वारा अपनी अपनी जाति को शोभा यात्रा में शामिल किया गया, जिस वजह से लोगों का हुजूम हजारों की संख्या में यात्रा के दौरान साथ रहा। पूरे क्षेत्र को भगवा और लाल तोरण झंडों से दुल्हन की तरह सजा दिया गया था। समाज सेवी संगठनों, दुर्गा समितियों के द्वारा कदम कदम पर अनेक तरह के शीतल जल और शरबत, आइसक्रीम, फल आदि के द्वारा एवं पुष्प वर्षा कर शोभा यात्रा का स्वागत किया गया। चकाचौंध, रंग बिरंगी लाइटिंग, डीजे, कीर्तन मंडली, कर्मा, ढोल बाजे के साथ निकलने वाली शोभा यात्रा में झांकियां आकर्षण का केंद्र रहीं।